गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द लर्निंग सिस्टम। मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर डिटरमाइंड। Measurement answer the questions of how much. In our day-to-day life, we measure the height, weight, miles traveled, etc. The tailor measure the dimensions of an individual's body to prepare dress according to required size. Intelligence is quantified in terms of IQ and achievement variable is measured in terms of scores. So students, मेजरमेंट के मीनिंग में हमने देखा कि जो मेजरमेंट है जनरली किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, पर्सन या एक्टिविटी है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या डिफरेंट उसके डायमेंशंस होते हैं उसको क्वांटिफाई करने का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके डायमेंशंस होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में जो मेजरमेंट है वो जनरली हाउ मच जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें देता है। हम अपनी हाइट है, वेट है या मिल्क है या कोई लिक्विड है उसका वॉल्यूम है उसको मेज़र करने के लिए या उसको क्वांटिफाई करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डायमेंशंस है उसके लिए मेजरमेंट टर्म है उसका यूज़ करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कैरेक्टरिस्टिक्स of an object, person or activity is perceived and understood on specific standards and is described in standard words, symbols or definite units. According to James M. Bradfield, measurement is the process of assigning symbols to the dimensions of phenomena in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरली किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड एक्टिविटी जो है उसको किसी स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड जो वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, यूनिट्स होती है उसमें डिस्क्राइब करने की एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। जेम्स एम फ्रील जो है उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में यही बताया है कि हम किसी भी पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको अगर किसी स्टैंडर्ड वर्ड्स में, सिंबल्स में डिनोट करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम मेजरमेंट है वो कहते हैं। जनरली टू मेजर एंड शो द वेट, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट यूनिट्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर टू शो द वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम, हम किसी भी पर्सन है उसके वेट को मेजर करने के लिए, डिनोट करने के लिए किलोग्राम है यूनिट का यूज़ करते हैं। क्लोथ जो होती है उसकी लेंथ है उसको हम मीटर में डिनोट करते हैं। मिल्क है या कोई भी इस तरीके का लिक्विड मटेरियल है उसको, उसके वॉल्यूम को हम मेज़र करने के लिए लीटर जो यूनिट है उसको यूज़ करते हैं। बट द फील्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ वेरी वाइड, इट इंक्लूड्स टू डिफाइन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन एक्टिविटी इन वर्ड्स, सिंबल्स एंड यूनिट। तो कंक्लूजन रूम में अगर हम कहें तो मेजरमेंट जो है जनरली किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट एंड किसी भी एक्टिविटी जो है या फिनोमेना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं, उसके डायमेंशंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम किन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स का, स्टैंडर्ड वर्ड्स जो ने कह सकते हैं, सिंबल्स का, नंबर्स का, यूनिट्स का यूज़ करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट की प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। देन हम आ जाते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट, क्योंकि हम बीएड कोर्स में स्टडी कर रहे हैं। बीएड कोर्स में अगर हम देखें तो जब से एजुकेशन सेक्टर में 90s में साइकोलॉजी ने एंटर किया था, देन उसके बाद साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों में ही हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए जब मेजरमेंट टर्म का यूज़ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में करने के लिए किया जाने लगा तो एक नया टर्म जनरेट हुआ, एजुकेशनल मेजरमेंट। इसमें हम देखेंगे क्या इंक्लूड किया जाता है। इन द प्रेजेंट एज measurement has influenced the progress in education and psychology too. Today the age of theoretical education is over. An effort is being made to make education and psychology more and more practical. Under education and psychology are studied different human behavior and problems. For this it becomes necessary to measure human behavior. साइकोलॉजी की एंट्री या एजुकेशन सेक्टर में जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमें डेली लाइफ में स्टूडेंट्स के साथ है,
टीचर्स के साथ है, टीचर ट्रेनीज के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है, जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उनके बिहेवियर की स्टडी करनी होती है और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें मेज़रमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको मेज़रमेंट करने के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको किसी सिंबल में डिफाइन करना, किसी यूनिट में डिफाइन करने के लिए हम एजुकेशनल मेज़रमेंट टर्म का यूज़ करते हैं। एजुकेशनल मेज़रमेंट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, द टीचर हैज़ बीन टेस्टिंग स्टूडेंट्स टू नो देयर प्रोग्रेस स्टडीज एंड टू सी व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियरल चेंजेस हैव अकर्ड इन स्टूडेंट्स, if they are optimal and what directions these behavioral changes have taken, a teacher wants to know the shortcomings of the method of teaching he uses. Generally हम देखें traditional times से ही अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि students हैं उनका measurement हम करने के लिए teacher है वो class test conduct करता है या observation के through उनका मेज़रमेंट करने की कोशिश करता है ताकि उनकी प्रोग्रेस है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकें, उनकी प्रोग्रेस को डिनोट कर सकते हैं पेरेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल मेज़रमेंट टर्म है वो ट्रेडिशनल टाइम से ही चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब इसमें हम साइकोलॉजी जब इंक्लूड कर देते हैं, 90s में जब साइकोलॉजी भी एजुकेशन में इंक्लूड की जाने लगी तो कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके थ्रू मेज़रमेंट करने की ह्यूमन बिहेवियर को का ट्रायल है वो कोशिश करने की कोशिश करी और उनकी जो शॉर्टकमिंग्स थी उनके ह्यूमन बिहेवियर में, हमें जो उनमें चेंजेस लाने थे, मॉडिफिकेशंस करने थे, उसमें हमें हेल्प मिली। देन हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है, ये जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है ये हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर टू टाइप्स के मेजरमेंट हमें देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है फिजिकल मेजरमेंट एंड देन है मेंटल मेजरमेंट। फर्स्ट फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट which has absolute existence. For example, we measure the height of individuals, the weight of rice, etc. Here we directly measure the height or weight of an individual and all the measuring tools of physical measurement start from zero. Physical measurement is always accurate and quantitative and there are some set of tools for physical measurement all over the world. देखिए फिजिकल जो मेज़रमेंट होता है उसके जो टूल्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सलाइज्ड होते हैं। आप इंडिया में अगर किसी टेबल की हाइट है उसको चेक करेंगे और किसी फॉरेन अदर कंट्री में भी उस टेबल की हाइट को चेक करेंगे तो हम वही मेज़रमेंट टूल है यूज़ करेंगे और शायद जो मेज़रमेंट का रिस्पॉन्स आएगा जो भी वो एक्यूरेट होता है वो इंडिया में भी वही होगा टेबल का मेज़रमेंट एंड आपके अदर कंट्री में भी वही मेज़रमेंट है वो होगा। अगर किसी पर्सन की हाइट हम इंडिया में मेज़र करेंगे तो वो भी आपकी हाइट जो एक्यूरेट होगी वो अदर कंट्री में भी वही हाइट है डिनोट होगा। तो यहाँ पर जो फिजिकल मेज़रमेंट होते हैं वो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस उसमें पाया जाता है और जनरली उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सलाइज्ड होते हैं और फिजिकल मेज़रमेंट जो टूल होते हैं वो जनरली ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। देन हम आ जाते हैं मेंटल मेज़रमेंट में। मेंटल मेज़रमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज एजुकेशनल मेज़रमेंट और साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ज़ीरो इन केस ऑफ मेंटल मेज़रमेंट। For example, for measuring the intelligence of a person, we have to take the help of intelligence tests, which are subjective in nature. Through his response, we can know the level of intelligence of the person concerned. Mental measurement is both qualitative and quantitative in nature, and there are no fixed tools for such measurement. The same set of tools may not be applied to different types of person. जनरली जो मेंटल मेज़रमेंट होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर इन जो मेंटल मेज़रमेंट में जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उसके लिए कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो नहीं होता है। अगर हमें किसी पर्सन का इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस है वो चेक करना है तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट जो प्रिपेयर किए गए हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं और उस पर्सन की आईक्यू लेवल है उसको शो कर सकते हैं। देन उस आईक्यू लेवल के बेसिस पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें ये कह सकते हैं वो एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। पर्टिकुलर आज अगर हम किसी पर्सन का इंटेलिजेंस टेस्ट है कंडक्ट करें उस पर तो उसके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं और हम 15 डेज या 20 डेज के बाद करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें
डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो टूल्स होते हैं और उनके थ्रू जो हम रिजल्ट मेन मिलता है मेंटल मेजरमेंट में, वो एक तरीके से हम उसको यूनिवर्सलाइज्ड भी नहीं कर सकते हैं, और जनरली उनके जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन पर डिफरेंट टाइप से उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स टूल है पर्टिकुलर मेंटल मेजरमेंट में नहीं यूज़ किए जाते। अब हम एक डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट है उसको भी देखेंगे। एक है क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड सेकेंड है आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट इसके नेम से ही डिनोट हो रहा है, जिसमें हम क्वालिटी किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी फिनोमेना, किसी इंसिडेंट, किसी इवेंट की क्वालिटी को मेजर करते हैं, तो उसे क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट और डल इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट। किसी भी स्टूडेंट है उसके इंटेलिजेंट को या अचीवमेंट स्कोर के बेसिस पर उसको डिफाइन करना कि वो डल है, ब्राइट है, एवरेज स्टूडेंट्स है, पर्सनालिटी के बेसिस पर किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन इंट्रोवर्ट करना, एक्सट्रोवर्ट करना, कौन कौन से ट्रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्वालिटेटिव मेजरमेंट के एग्जांपल्स होंगे। इसमें हम किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वालिटी जो है वर्ड्स में उसको डिफाइन करते हैं। देन हमारा आ जाता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ऑफ अ स्टूडेंट्स एज 140, 120, 110 इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जनरली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है वो जनरली नंबर्स में किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उन नंबर्स के बेसिस पर उस स्टूडेंट का, उस ऑब्जेक्ट का, या उस पर्सन है या उस एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको डिस्क्राइब करने की, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे टू टाइप्स के मेजरमेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास में हम केवल इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।